ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रन सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बनाई थी ये बीफ फैक्ट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पे हम लोगों ने ला के रख दी थी बीफ्स को, और इनका खाने वाने का सारा कुछ अपन ने बना दिया है, और इनका जो है अपन दूध निकाल के बनाएंगे चीज़, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ गाइज, आज हम लोग बनाने वाले हैं हमारे घोड़ों के लिए एक रहने की जगह, ठीक है। मैं इससे पहले एक बार ना देख लेता हूँ कि हमारा जो घोड़ा है इसकी आखिर फूड वगैरह का मीटर कितना है। भाई एक सेकेंड ब्रो, ये खाना वगैरह कहाँ से खा रहा है भाई? हेलो, क्योंकि यहाँ पे इसको खाने वाने का मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सीरियसली ब्रो। एंड वेट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गेम ब्रो? यार खाना कहाँ से खा रहे हैं ये? यहाँ तो इसके खाने के लिए कुछ बना भी नहीं रखा मैंने। यार ये तो काफ़ी बढ़िया सीन से, जो भी भाई पता नहीं कुछ तो बग हो रखा है इसके अंदर, ठीक है, जो भी है वो। एंड या गाइस, आज हम लोग जो बनाने वाले हैं, मैं इसके बगल में ही बनाने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा। तो मैं इसको वैसे नीचे की साइड में करके बनाएंगे अपन, तो दो का स्पेस आई थिंक इनफ रहेगा। या दो का स्पेस इनफ है, और देखते हैं। आज मैं ना सिर्फ तीन घोड़े रखने की जगह बनाऊंगा, क्योंकि यार अपने को ना इतने सारे घोड़ों की ज़रूरत है नहीं, इसलिए तो अपन सिर्फ तीन की बनाएंगे जगह, तीन नहीं, हाँ तीन की बनाएंगे। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देता हूँ। वैसे मेरे को पाँच का गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्पेस ना खाली छोड़ना चाह रहा हूँ इसलिए। ए यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा ब्रो? अबे ये क्या सीन है भाई? ओके, थोड़ा सीन बैठने वाला है यहाँ पे, तो मेरे को ना आई थिंक शायद से थोड़ा अच्छे से मामला उसका बिठाना पड़ेगा। रुक जाओ सेकंड, ज़रा ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इधर का मेरे को खाली छोड़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। एक ये वाला खाली छोड़ूंगा, एक दो और तीन, और ये वाला खाली छोड़ूंगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई सीन नहीं है, एक का गैप छोड़ देंगे अपन बीच में, थोड़ा इधर उधर जाने के लिए थोड़ी जगह बन जाएगी ना, इसलिए, समझ रहे हो। चलो ये अपन ने, अरे एक सेकेंड रुको, यहाँ से रिमूव कर दिया है, और इसके बाद में अपन को निकालनी है ये वुडन फेंस, ठीक है। नहीं वुडन फेंस नहीं, सॉरी, जो दीवार होती है ना, पूरा बिल्ड करूँगा भाई मैं इसको, कलर वगैरह सब कुछ एक ही एपिसोड में करने वाला हूँ मैं, इसके लिए कोई नेक्स्ट एपिसोड नहीं बनाने वाला, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ से देखो घोड़े को निकालेंगे, ठीक है, उसको ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे, और उनको ट्रेन करने के बाद में अपन उनको बेच देंगे। उसी तरह से अपन नए घोड़े लेकर आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, और इस तरह से बेच देंगे अच्छे खासा प्राइस में, समझ रहे हो गाइस। चलो यहाँ पे मैं इसको पूरा का पूरा पहले कवर कर देता हूँ। छोटी वाली दीवारें लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा अलग कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाता है उस तरह से तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है वैसे तो। और एक सेकंड, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया क्या ये? हाँ मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, लेकिन चलेगा चलेगा, इतना चलेगा, कोई सीन नहीं है। यहाँ पर ज़रा इधर का इतना स्पेस छोड़ देता हूँ, और एक सेंटर पॉइंट रखना है मेरे को, जहाँ से अपन अंदर आ सकेंगे। दो इधर बना दिए, दो इधर बना दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में अपन बनाने वाले हैं यहाँ पर एक और, लाइक सेम चीज़ जैसे मैंने उसमें करी थी ना हमारी बीफ फैक्ट्री में, वैसा ही मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ आगे से, क्योंकि एंट्री अच्छी होनी चाहिए भाई हमारे यहाँ की। ए ब्रो, अच्छा ये फ्लोर है, लॉल में कह रहा है, लग क्यों नहीं रहा भाई यहाँ पे? एक सेकंड गाइस, जरा अपन लेते हैं वुडन फाउंडेशन, इसको लगाएंगे अपन यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट, नहीं यार एक सेकंड, एक काम करता हूँ, इसको छोड़ के अपन लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ना ट्राइंगल वाला एक फ्लो, हाँ ये रहा ट्राइंगल वाला, ये लगा के देखना चाहता हूँ मैं कि इससे कैसा लुक आएगा भाई यहाँ पे। ये स्टेयर्स जो इसके बगल में लगा देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से कुछ। इसके बाद में अपन लेंगे ये दरवाजे, ये वाले दरवाजे नहीं लगा रहा अपन, लगाएंगे ग्रीन हाउस वाले दरवाजे, ठीक है, लेट्स गो। आई थिंक शायद से हमारा घोड़ा अंदर तो आ जाना चाहिए, आ तो जाएगा शायद से। चलो इसके यहाँ रख देता हूँ, इसको कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। नहीं यार, नहीं नहीं, जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ वैसा नहीं बन रहा, बाद में चेंज कर दूंगा इसका, तो चलो फिलहाल के लिए ऐसा रख के देखता है कि कैसा ये बनने वाला है इसकी वजह से। और आफ्टर दैट मैं वो क्या करने का है ना, यहाँ पर इनको जो घोड़े की रहने की जगह है ना, उसको अपन छोटी वाली दीवार से बनाएंगे, जैसे कि ये रही छोटी वाली दीवार, इसको लेते हैं अपन कुछ इस तरह से यहाँ पर एक, अरे यार उल्टा क्यों लग रहा है यार इसमें ये, और दो, और ये हो गया तीन, ठीक है। वैसे तीन ज़्यादा हो जाएगा, तो एक काम कर दो, दो इनफ रहेगा। और इसके बाद मैं इसको मैं करूँगा कुछ इस तरह से, यहाँ लगा देता हूँ इसको, इसको लगा देता हूँ इधर में, और तीन घोड़े की जगह बन रही है ना पक्का? एक, हाँ तीन की बन रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सीन नहीं है भाई। मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा नहीं बना दिया कहीं मैं गलती से, इसलिए एक यहाँ लगा देता हूँ। अरे यार उल्टा क्यों लग रहा है ये? चलो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई। ब्लूप्रिंट अभी स्टार्टिंग से तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को यहाँ देखने में। बाकी यहाँ पे अभी बनाने वाले हैं अपन एक इनका ग्रीन हाउस वाला दरवाज़ा, ग्रीन हाउस की वॉल लगाऊंगा यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पे एक वॉल लगाऊंगा, फिर यहाँ पे एक वॉल लगाऊंगा, और एक वॉल आएगी इस साइड में, ठीक है। आई होप सो कि ये ठीक बन रहा हो भाई। हाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है ना, नहीं नहीं सही बनाए, सही बनाएगा, सही बनाया, एवरीथिंग इज़ गुड ओवर हियर। आफ्टर दैट मेरे को क्या करने का है ना, यहाँ पे मेरे को फेंस लगानी है, ठीक है, यहाँ से फेंस लगेगी,
या फिर इतना ओपन रहने दो, यहाँ पे खाने वाने की जगह बना दूंगा ना इनके लिए। हाँ ये सही रहेगा वैसे देखा जाए तो ना। चलो ठीक है, इसके हिसाब से देखा जाए तो फिर या ऑल गुड है। इसके बाद अपन इसके ऊपर कुछ लगा सकते हैं क्या? ये वाली दीवार पूरी नहीं कर सकते ना अपन। या इस तरह से कुछ बनाना है मेरे को। अबे यार ये वाला क्यों नहीं लग रहा भाई? ये कैसे नहीं लग रहा भाई? ये भी तो लगना चाहिए ना यहाँ पे भाई। ये हर बार की तरह ना एक बीच में जगह छूट जाते हैं ना भाई, बड़ा बेकार सा लगता है यार। अब मैं इसको कैसे बनाऊँगा जब ऐसा लगेगा ही नहीं तो यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, तीन की नहीं दो घोड़े की जगह बनाते हैं, ठीक है? ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। इसके बाद में अपने को जो है यहाँ लगानी है ये ट्राइंगल वाली दीवार। इसके लिए मेरे को आई थिंक वॉल फ्रेम भी लगाने पड़ेंगे यार यहाँ पे, है ना? या अरे हाँ भाई, मैंने वॉल फ्रेम तो लगाया नहीं गाइस। आई होप सो कि जिस तरह मैंने अभी बनाया है ना ये अच्छा खासा बन जाए यहाँ पे। अभी मेरे को सिर्फ ट्राइंगल वाली दीवारें लेनी है और इनको यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है? ये लग जाएगा यहाँ पर और इसके बाद में ये लग जाएंगी यहाँ और ये लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है? बहुत बढ़िया एंड थोड़ा वो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है? ये आई डोंट नो, यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा लग रहा है ये वाला ब्लूप्रिंट। मैं थोड़ा अलग तरह से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ यू नो, घोड़े का आज तक अपन ने कभी बनाया नहीं है ना, पहले सीरीज में बनाया था, अभी बस अपन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए। और इसके बाद में मैं लूँगा यहाँ पर जो फेंस वाले गेट्स हैं इनको अच्छे से लगाएंगे यहाँ पर। लेट मी प्लेस इट अच्छे से भाई, ताकि थोड़ी दिक्कत विक्कत ना हो भाई इसके अंदर। अच्छे से लगा देते हैं इसको यहाँ पर, बहुत बढ़िया। एंड उल्टा लगाया क्या मैंने इसको? ऐसा लग रहा उल्टा लगाया मैंने। हाँ इसको बिल्ड करने के बाद में पता चलेगा वैसे तो सारी चीज़ें, पर ठीक है रुक जाओ ज़रा। इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, अगर कहीं पता चला कि मैं कहीं गलत बना दूँ इसलिए। इसको थोड़ा बहुत अच्छे से लगा देते हैं भाई, इसको अच्छे से लगा देते हैं यहाँ पर। आई थिंक अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना बहुत है। अंदर मेरे को खाने वाने का भी सीन बैठाना पड़ेगा इसका। रुको, खाने का बनेगा यहाँ से, स्मॉल वाले ठीक रहेंगे ना। ये वाली ग्रैनरी इधर का कवर कर लेगी ना शायद से, आई थिंक कवर तो कर लेना चाहिए इसको यहाँ तक का। इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर एक, और इसके बगल में लगाऊंगा खाने का, ठीक है? ये हो जाएगा फूड ड्रॉ। इसको रख देंगे अपन यहाँ कहीं पे आसपास, ठीक है? बहुत बढ़िया, इसको रख देंगे अपन यहाँ पे। नहीं, मुझे लग रहा है कि खाने का इधर बनाना बेटर रहेगा, क्योंकि शायद से वाली मशीन ना इतना जो है कवर तो कर ही लेनी चाहिए शायद से। ग्रैनरी कर तो लेगी यार, एक बार देख लेता हूँ फिर भी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने घोड़े ना भूखे मर जाए भाई यहाँ पे, क्योंकि उनको मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ यहाँ। यार प्लीज़ 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 प्लीज़। ओह ओके, आई थिंक शायद से कवर कर रहा है गाइस, कवर कर रहा है। मेरे हिसाब से पूरा काम अपना डन हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा है भाई, सही जगह बनाया है अपने पूरा का पूरा। यहाँ पे घोड़ा भी खाने खाते रहेंगे और इनका पूरा सेट एकदम सब कुछ, ठीक है? यहाँ से अपनी एंट्री होगी। एंट्री काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रही है, इसको मैं ज़रा थोड़ा चेंज करता हूँ या फिर ओपन ही रहने देते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे एक ना गेट लगा देता हूँ वुडन वाला, हाँ ये बेहतर रहेगा। इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड या गाइस आई थिंक इट्स ऑल गुड। अभी अपने को सिर्फ ना यहाँ पे लाना है और चीज़ें रखनी है बस, ठीक है? आई मीन प्लैंक्स लेकर आना और रखना है यहाँ पे। भाई कितनी बारिश होगी यार, बस करो यार। चलो तो यहाँ से निकाल लेते हैं सारा का सारा प्लैंक एंड इसको कलर भी करना पड़ेगा भाई। इसको कलर मैं करूँगा हरे कलर का, ठीक है? हरे कलर का आई थिंक ठीक है, नॉट बैड। मैंने गराज बनाया था हरे कलर का, बड़ा बेकार बना था यार वो तो। देखते हैं इसको, या तो ब्राउन ब्राउन तो नहीं कर रहा मैं, देखते हैं अभी क्या सीन बैठेगा इसका। पहले तो अपन जरा इसको प्लैंक व्लैंक पूरे कर ले, इसके अंदर यहाँ लगाते हैं, पहले फाउंडेशन पूरी करनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो मेरे को एक काम कर दो, मैं अपना जो ट्रक है ना, आई मीन हमारा पिकअप ट्रक है, इसको मैं पीछे की साइड में घुमा के ले जाता हूँ भाई। इतना ना बार बार आना पड़ेगा और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता भी यार। देखो इसीलिए मैं पता डबल की स्पेस बना रहा था, क्योंकि मुझे पता है ना ये ट्रेलर जो है साला आता नहीं एक जगह पे, ये दिक्कत देगा मेरे को अभी। अबे यार रिवर्स हो जा, क्या ही चुलघोर है भाई ये तो एकदम। और इसमें अपने को क्या क्या और चीज़ें बनानी चाहिए, यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है? क्योंकि मेरे को अभी ना देखो अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी ऑलरेडी। हनी और वो जो ग्रीन वाला ग्रीन हाउस की फार्मिंग होने वाली है ना, वो सारी तो अपन उसी में करेंगे जो हमारी मेगा फैक्ट्री है। बाकी अपन इसमें क्या क्या बना सकते हैं वो मुझे बताना घर के सिवाय, क्योंकि हमारे पास एक घर ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है? चलो अरे 20 बज चुके हैं ऑलरेडी, रुको यार काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाते हैं, भी बैग निकालता हूँ मैं। एंड या गाइस गुड नाइट इज इसके साथ साथ में, और भाई इसमें गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाता है तो गुड मॉर्निंग बोलने का कोई मतलब नहीं है। चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड या गाइस अभी इसको निकालते हैं और यहाँ पे जो है चीज़ें यहाँ पे प्लेस करना शुरू करते हैं, प्लेस करना, ठीक है? ये चलो इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और ये कितने सारे फाउंडेशन लगाने पड़ेंगे भाई यहाँ पर तो यार, है ना? बहुत सारा फाउंडेशन लगेगा गाइस यहाँ पे भाई, कसम से इतना सारा प्लैंक लगाया जा रहा हूँ मैं और ये प्लैंक लगे जा रहा है भाई ख़त्म। मतलब क्या बोलूँ भाई, इतना सारा काम हो गया ना भाई यहाँ पे, देखो कितना प्लैंक लगा हुआ और मैं ला के
इतने सारे फाउंडेशन भाई, मैंने इतना छोटा सा बनाया था उसके बाद भी इतना सारा प्लैंक लग रहा है इसके अंदर भाई, कसम से यार। चलो इसको, अरे भाई ओके भाई ठीक है, हो गया, ओके डन है। अभी इसको भी यहाँ पे लाके मैं रख देता हूँ। एंड यार ये घोड़ा कैसे खाना खा रहा है मेरे को वो समझा दो बस एक बार ना, कि घोड़े को खाना कहाँ से मिल रहा भाई कसम से भाई। चल इसको यहाँ लगा देता हूँ, आई थिंक सही बनाया। ओके 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 इट्स ऑल गुड। आई थॉट को थोड़ा उल्टा सीधा बन गया बट बढ़िया बना, बढ़िया बना। रुको इसको यहाँ रखता हूँ। एंड इसको, अरे इसमें ग्लास भी लगेगा ना, आई होप सो कि मेरे पास ग्लास हैगा। ठीक है, आई डू हैव ग्लास वैसे। एंड इसको ऊपर रख देता हूँ थोड़ा बहुत। प्लैंक मेरे को ना फाउंडेशन में पहले डालना पड़ेगा, रुकूँ आई मीन ये जो गेट फ्रेम होते हैं। साथ इनके खाने का भी यहाँ पे बना देता हूँ। चलो खाना तो भर गया, पानी भी देख लेता हूँ, पानी भी भर चुका है, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा काम चल रहा है अपना यहाँ पर। ज़रा थोड़ा बहुत प्लैंक ना मैं एक्स्ट्रा रख ही देता हूँ इस साइड में, क्योंकि भाई बार बार आना पड़ रहा है मेरे को यहाँ पे, वो ख़त्म हो जा रहा है भाई यही मेरे को ग्लास भी चाहिए रहेगा। ग्लास है मेरे पास, आई होप आई डू हैव, ओ आई डू हैव ग्लास, लेकिन ख़त्म होने वाला है भाई ये भी। मैंने कही थी ना भाई ग्लास ज़्यादा ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ख़त्म हो जाती है भाई कभी भी पता नहीं चलता फिर। चलो यहाँ से इसको लेके चलते हैं, इनको यहाँ लगाते हैं, इधर लग जाएगा, ये थोड़ा बहुत नीचे लग जाएगा। रुको दरवाज़ा खोलते हैं ज़रा, इसको करते हैं ओपन, ये लगाते हैं यहाँ पर, ये इधर, और इनको ले जाके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तीन इसमें आ गया, इसको पहले पूरा करना पड़ेगा। रुको ये, अरे दीवार नहीं करनी, फाउंडेशन हो गया। दीवार में इतना ज़्यादा प्लैंक जा रहा है लेकिन, है चलो सही है, ग्लास वाला यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे तो भर जाता पूरा प्लैंक व्लैंक भाई इसमें। ये तीन हो गया, ये ऊपर क्यों नहीं लग रहा है लेकिन, हे ऊपर वाला क्यों नहीं लग रहा, उसमें तो लग गया था यार, ये क्या सीन है ब्रो। चलो रुको इसको मैं पूरा करके देखता हूँ एक बार। ओ भाई बढ़िया तो बनाइए गाइस, अपनी वाली जगह है ना, बहुत सही बनाइए। रुको अभी इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, एंड या बॉयज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, बढ़िया लग रहा है। रुको क्लास ख़त्म हो गया भाई, आई होप सो कि इतना मेरा काम हो जाए, मेरे को बार बार लेने के लिए नहीं जाने का है ब्रो, बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए। ये ऊपर वाला कैसे पूरा नहीं हो रहा मेरे को वो नहीं समझ आ रहा, ऊपर अभी लग गया, चलो ठीक है गुड। ये लेता हूँ यार ओपन में, पता है ये बीच में देख रहे हो लाइनें वाइनें नहीं आ रही है, जैसे अंधेरा हो जाता ना अंदर तो बहुत लाइनें वैसे आने लग जाती है, ऐसे ही ठीक है ऐसे बनाया करूँगा अब से मैं ओपन ना, काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत होती है फिर बाद में यार। चलो खाने का हो गया है, इसका मैं पानी का भी बना, पानी का बनाए खाने का बनाए, मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। रुको इसको निकाल लेते हैं यहाँ से और प्लेस करके देखते, अच्छा ठीक है पानी का हो गया था, खाने का भी बना दिया है। ये कुछ इस तरह की जगह बनने वाली है, बॉयज बहुत सही लगेगा। अभी रुकनो इसको लगाते हैं यहाँ पर और इसके बाद लगाएंगे इसको इधर। ठीक है चलो, प्लैंक तो आई थिंक इनफ है मेरे हिसाब से, एंड इसको यहाँ रखता हूँ, थोड़ा बहुत ना निकाल के रख लेता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर बार बार इधर ही आना पड़ रहा है मेरे को। ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, और एक और दो, अबे यार दो दो प्लैंक चाहिए इसके लिए। अच्छा ठीक है, दो चार छः आठ, ठीक है इसमें हो जाएगा पूरा आई थिंक, वो तो जाना चाहिए। ये इधर हो जाएगा और इसको लगा देते हैं इधर के साइड में। ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़िया गाइस, काफ़ी छोटा बनाया मैंने लेकिन बढ़िया बनाया जो भी बनाया है। ठीक है इसको रखते हैं यहाँ पे, और ग्लास तो, ग्लास कहाँ रख दिया मैंने ब्रो, एक सेकंड गाइस, ग्लास ख़त्म हो गया क्या सारा सारा, डोंट टेल मी ग्लास ख़त्म हो गया ब्रो। नहीं नहीं ख़त्म नहीं हुआ ना, 12 बचे हुए अभी भी, और इसको अपने को पेंट भी करने का। मैं तो पता नहीं कहाँ जा रहा था अभी ट्रक वगैरह लेकर भाई, काम बचा हुआ है अभी अपना कलर करने का इसको, इसको मैं लाल कलर का ही कर दूँ क्या, मैं लाल कलर का ही सही लगेगा भाई ये भी। हरे कलर का तो भाई पता नहीं मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा, और गराज का मैंने हरा कर दिया, तुम लोगों ने तो पता नहीं क्या भाई उसको देखा ही नहीं क्या बना दिया पता नहीं ऐसा इसको हरे को रहने देता हूँ, लाल का ही बनाते हैं भाई जो भी बनाएंगे अपन। एक ये ले जाता हूँ, एक ये ले जाता हूँ, और वाइट कलर निकाल लेते हैं, वाइट कलर चाहिए अपने को इसमें, ये निकाल लेता हूँ, और आई थिंक इतना इनफ रहेगा मेरे हिसाब से, 2020 शायद से इनफ रहेगा, नॉट श्योर दो। इसको लेता हूँ और एक सेकेंड, अंदर की साइड से पूरा लाल करना पड़ेगा ना इसको। ठीक है इसको यहाँ लगा देता हूँ, बहुत सही, हाँ बढ़िया तो लगेगा वैसे, देखते हैं कैसा लगेगा अभी, फाइनल टच कैसा आएगा इसका। ओके लग जा भाई, यार अंदर जाना पड़ेगा, दरवाजे खोल देता हूँ मैं इससे बढ़िया, तो इसको यहाँ से करता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, अरे यार मैंने गलती से कहीं और कर दिया, वाइट कलर ले दो ज़रा, वाइट कलर के तो फ्रेम होंगे ठीक है सारे के सारे,
इसको करने दो यहाँ पे, और इसको करने दो यहाँ पे, इसको कर देता हूँ इधर से, इसको कर देता हूँ यहाँ से। एक साइड जो है यहाँ पे डन हो चुकी। अरे एक सेकंड भाई, मैंने लाल कलर किया था, वाइट कैसे हो गया ये वाला? हाँ ठीक है अभी, यस इट्स ऑल गुड। और उसी के साथ साथ मैं अंदर की साइड जो है ना ये, इसको मैं वाइट करने वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ अंदर की साइड का, बाकी ग्रेइश होएगा, ग्रेइश या ब्लैकिश करूँगा मैं, इतना बस वाइट रहेगा, बाकी फ्रेम व्रेम कर देता हूँ जितने भी यहाँ पे। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, बाहर की साइड में भी करना पड़ेगा। इसको लगा देते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा भाई। कितना सारा खाता है ये प्लैंक है, आई मीन कितना कलर खाता है भाई। इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको इधर। आई होप सो कि ये पूरा वाइट हो गया, हो गया, हो गया, गुड गुड गुड। इसके बाद में अपने करने का इधर की साइड से, ये पूरा हो गया क्या? अच्छा ओके, ये पूरा हो चुका है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपने वो करने का है लाल कलर यहाँ पे भी। चलो ये लेता हूँ और इसको करते हैं लाल कलर का पूरा अंदर से भी और बाहर से, बाहर से तो या बाहर से करना पड़ेगा। इसको इधर से कर देते हैं और इसको यहाँ से, मेरे को पीछे से भी करना पड़ेगा ना इस हिसाब से तो, क्योंकि पीछे हाँ खाली रह गया ना, बुर को वो भी कर देता हूँ। उसके बाद तो शायद से मैं पीछे की साइड जाऊँगा, हाँ मेरे को करना तो पड़ेगा ना से। इसको बाउंड्री आई मीन जो दीवार है छोटी वाली, इसको भी वाइट कलर का कर दूँ क्या मैं? रुको देखते अभी कैसा लगेगा वाइट कलर का करने के बाद में। अच्छा तो लगना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, लेट्स सी कैसा लगेगा। बाकी तो यहाँ से ले चलते हैं और कौन सा 11 वाला, इसको निकालते हैं एंड यहाँ पे अगर इसको पूरा वाइट। अबे यार सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। इसको लाल करना था, मैं कलर करने भूल गया भाई इसको, ठीक है। और उसके बाद में अपन अगर पूरा का पूरा ये वाइट कर दें, ठीक है, बढ़िया तो लगना चाहिए है वैसे ये। अरे यार वाइट कलर ख़त्म कितना जल्दी हो जाता है भाई। तो इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, अगर ये वाइट रहेगा और बाकी का ग्रेइश करूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा ना अलग थीम चाहता हूँ भाई यहाँ पे। ये कौन सा कलर है? ये तो थोड़ा डार्किश टाइप है ना, डार्किश टोन है तो, या इट्स डार्किश। इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ कलर। इसमें खाने वाने का कर देता हूँ कलर, खाने पानी का। और इसके बाद में खोलता हूँ, इसको भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी अपने को क्या करने का, ये तो हो गया पूरा, ठीक है, इसको पूरा वाइट करना पड़ेगा। वाइट मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ से, आ जाएगा यहाँ से, चार ही आया है और चाहिए मेरे को पांच। अबे क्या ऐसा क्या कर रखा मैंने ये भाई, आधा कलर यूज़ कर रखा, आधा नहीं कर रखा। इसको मैंने इधर से कर दिया और इधर से करना बाकी है। अबे यार कलर कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है ब्रो यार इसमें। चलो ये भी हो गया, ठीक है, एंड आई थिंक ये ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। मैं पूरा वाइट कर दूंगा ना तो बहुत बहुत बेकार सा लगेगा, इसलिए मैं पूरा वाइट नहीं करना चाह रहा, मेरे को ग्रेइश टाइप का कलर चाहिए अभी फ़िलहाल तो। लेट्स सी अभी कैसा लगेगा ये, बढ़िया तो लगना चाहिए, लाइक अलग से ही निखर के आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ और बना रखा है अपन ने, समझ रहे हो। इधर हो जाएगा और इसके बाद में इसको इधर कर देंगे अपन, ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल गुड। या मे बी अगर मैं बाउंड्रीज को वाइट करता हूँ तो शायद ठीक ठाक लगे थोड़ा और। लेट्स गिव द ट्राई वंस। अरे यार कलर कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है इसमें, एक तो मतलब कलर है ही कहाँ इसमें क्या। ओके मेरे को लगा मैंने गलत कलर उठा लिया, इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, लेट्स सी कैसा लगने वाला है भाई ये। इधर लगाते हैं, इधर 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 वे कर देता हूँ मैं पूरा का पूरा वाइट यहाँ से, बीच में हल्का सा रेड एंड या इट्स लाइक ठीक ठाक लग रहा है गाइस। कलर कैसा है मैं कोई बताना, इसका कॉम्बिनेशन कैसा है कलर का। और मैंने जस्ट अभी एक चीज़ नोटिस करी, ठीक है, मैंने लाल कलर जो है ना मिस कर दिया कुछ जगहों पे, देख रहे हो, देख रहे हो तुम लोग, अभी रुक जाओ, आई थिंक इस वाले का भी मिस हो रखा है शायद से। यप चलो ये भी लगा दिया मैंने, आई थिंक अभी इट्स नॉट बैड, ओके इट्स नॉट बैड ब्रो, अच्छा लग रहा है भाई, ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अपने को क्या है यार डिज़ाइन विज़ाइन से क्या मतलब है, अपने को घोड़े रखने से मतलब है, उनके जगह होनी चाहिए बस एक ठीक ठाक। और ये काफ़ी ओपन जगह है, बढ़िया बना दी अपन ने उनके लिए यार, क्या चाहिए यहाँ पे। मेरे को जस्ट याद आया कि मैंने अपने घोड़ों आई मीन घोड़ा कह रहा हूँ भाई, अपने ना पिग्स का खाना देखा ना काउज का खाना देखा है मैंने इतने टाइम से। रुको गाइस यार मैं भूल गया, मैंने इनका खाना भी चेक नहीं करा अबे, प्लीज़ मरी ना हो कोई भी काउ यार यहाँ पे। ओके आई थिंक दे आर ऑल सेफ राइट नाउ।
भाई। अच्छा, ठीक है, मैंने खाना दे रखा था शायद से भाई साहब। अभी तो सीन बैठ जाता, सेव कर लेता हूँ गेम को भाई। रुको, इनका खाना देख लेता हूँ। आई थिंक इधर का भी ठीक ठाक होना चाहिए सब कुछ। बहुत टाइम से खाना नहीं दिया यार मैंने, ये देख रहे हो ख़त्म होने वाला था इसका भी। और इसका क्या सीन है? अरे वहाँ तक जा क्यों नहीं पा रहा? पहले तो इतना, रुक जाओ, इन लोगों ने रेंज कम कर दी क्या भाई? इसको भी ज़रा मैं खाना भर दूँ यहाँ पे। एंड यहाँ से निकलते हैं ज़रा अपन। और इनकी तादाद वगैरह तो वैसे ठीक ठाक है अभी फ़िलहाल तो, जब ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तब मारेंगे इनको अपन, ठीक है। और इनका ना अभी देखो यहाँ पे काफ़ी सारा जो पोर्क है ना वो भी रखा हुआ है, इसको भी अपने को सेल करके आने का है। और चीज़ भी मैंने उस दिन बहुत सारा बनाया था लेकिन मैंने अभी तक इनको सेल किया नहीं है, तो एक बार में सारा को सेल करेंगे अपन, ठीक है। बहुत सारा पैसा आने वाला है हमारे पास में वापस। एंड ये कैसा लग रहा है बताओगा इस पहले तो। रुक जाओ, ब्राउन कलर भी मेरे को करना है अभी इसके अंदर, क्योंकि वो फाउंडेशन में लगता है ना नीचे की साइड में, इसलिए आई थिंक यहाँ तो ज़्यादा लगेगा, तो 20 वाला ही ले लेता हूँ इससे बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा ब्राउन भी मैंने पेंट कर दिया है, और आई थिंक अभी जो है इससे लुक भी ठीक ठाक आ रहा है थोड़ा बहुत। ये कौन सा कलर है? अच्छा ये भी मैंने निकाल दिया था क्या? चलो गाइस अभी अपने ट्रक को तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत साफ सफाई लगे कि हाँ भाई बढ़िया बनाया है। लेकिन यार सही लग रहा है यार, तुम लोगों को कैसा लग रहा है बताओ भाई? दो घोड़े रखने हैं अपने को बस, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि भाई ज़्यादा तादाद मतलब ज़्यादा गेम कर लगे। एक सेकेंड, आई थिंक बराबर बना है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मैं वापस से रख कर आ जाता हूँ। और खाना वाना तो अपन ने दे रखा है तो कोई सीन नहीं इतना। और मैंने जो घोड़े रखे हुए हैं ना इनको भी इसके अंदर रख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ठीक है। रुक जाओ जरा, इसको घुमा के ले जाऊँ मैं पहले। चलो बहुत काम कर लिया है आज भी अपन ने, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बनाई आई नो, लेकिन यार ज़्यादा रिसोर्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि गेम भी लैग मारेगा उसके बाद में, इसलिए। रुक जाओ जरा, बस गाड़ी को ना यहाँ पर पार्क कर देता हूँ फिलहाल के लिए। फिर से बारिश शुरू हो चुकी है भाई बहुत ज़्यादा सही। और इस गेम का जो है 1.0 करके एक ना वर्जन आउट हो चुका है गाइस, तो लाइक यू अनरियल इंजन 5 का जो अपडेट है स्टेबल वर्जन वो आउट हो चुका है। तुम लोग भी जाकर स्टीम से डाउनलोड कर सकते हो अभी इसको, ओके। एंड अभी अपन जो है, यार एक सेकंड, मैंने अभी देखा था पिग्स की तादाद तो काफ़ी कम थी, इतनी ज़्यादा कैसे हो गई भाई? चलो बॉयज लेट्स गो, शेष कूद। अब कूदा कैसे नहीं है भाई? एक सेकंड रुको गाइस, थोड़ा सीन है, ठीक है, आ जा आराम से, ओए आराम से चल ले, आराम से। अबे चल ले भाई, क्या दर्द है यार? पिंग हट जाओ ना सामने से, अटका के रहो मेरे को। हाँ नहीं तो रुक जाओ गाइस, आराम से कूद के जाएंगे यहाँ से एकदम तेजी में। शेष कूद जा। अबे यार कूद क्यों नहीं रहा ये? अबे इतना बेकार कैसे हो गया ये? आई थिंक इन लोगों ने कुछ तो ठीक ठाक कर, ओए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई साहब, दिमाग खराब कर दिया था। लेट्स गो, अभी अपन इसको रखेंगे हमारे इस नए घोड़े के बांध के अंदर, ठीक है। उतर जा भाई, उतर जा आराम से उतर जा, कोई सीन नहीं है। अरे उतर जा भाई, हाँ बहुत बढ़िया। अरे 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 भाई कहाँ जा रहा है? ओ भाई यार इन लोगों ने वाला बग वगैरह ठीक किया नहीं अभी तक ना, बहुत सारे बग्स हैं अभी भी इस गेम के अंदर। चलो इसको रख देता हूँ यहाँ पर, आराम से अपना चिल करेगा। उतार दे भाई मेरे को, इसको कर देता हूँ यहाँ पर बंद मैं। चलो अभी इतना ज़्यादा थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि ना थोड़ा अंदर ये घूम भी सके आराम से, ठीक है। आई होप सो कि कुछ सीन वीन ना हो, बस घोड़े वोड़े मरे ना अपने यहाँ पर। और इनको ट्रेन करके अपने को बेच कर आना पड़ेगा। रुक जाओ ज़रा, इसको मैं बाहर लेकर आता हूँ। इसका क्या सीन है ये खाने वाने का भाई? खाना कहाँ से खा रहा पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, ये तो खाने का लगाया भी नहीं मैंने इसके लिए कुछ, कि बारिश में पानी पी रहा है ये और घास को भी खाने लगा है क्या ये? आई डोंट नो गाइस, कुछ तो बग वगैरह है, बट ठीक है ठीक हो जाएगा सब कुछ यार सून, जब भी रिपोर्ट वगैरह करेंगे कोई भी बग वगैरह का। चलो अभी उतरते हैं इससे, उतर जा भाई, बहुत सही। एंड इसको कर देते हैं अपन बंद। चलो तो गाइस यहाँ पे हमारे घोड़े भी आ चुके हैं और हमारा यहाँ पे घोड़े का बांध भी बन चुका है। ज़्यादा इतना वो नहीं है पर इट्स ऑल गुड। मुझे इसका रेटिंग करके दिखाओ 10 में से कितने का, आई मीन कैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी तो बस अपना यही था कि मेन मोटिव तो यही था कि अपने घोड़ों को यहाँ पर रखना अपने को, और अगर 2-3 एक्स्ट्रा घोड़े लेकर भी आते हैं तो यहाँ पर रख देंगे, बाहर तो जाने वाले हैं नहीं वो, तो कोई सीन नहीं इतना। अभी मैं ना एक काम करता हूँ, हम लोगों ने ना हमारी जो बीफ वाली काउज है इनका दूध नहीं निकाला था एक बार भी, और मैंने ना निकाल के भी नहीं दिखाया था, तो अभी जो है एक बार देख लेते हैं कि ये पूरा एकदम बराबर लीटर दूध देते हैं कि नहीं यार, क्योंकि मैं जिस तरह से लेकर आया ना उस हिसाब से तो पता नहीं क्या सीन बैठेगा यार। ये तो 7 ही लीटर दे रही है भाई, अबे ये तो सीन हो गया गाइस। इसके हिसाब से तो भाई मेरे को बहुत सारी काव लेकर आनी पड़ेंगी, मतलब मेरे को आई थिंक 4 काव तो चाहिए शायद से इसके अंदर। हाँ 4 काव चाहिए रहेगी कैन भरने के लिए ब्रो। भाई ये तो यार महंगी बातचीत हो गई, इतनी महंगी काव लेकर आओ उसके बाद दूध भी ना निकलो उससे अच्छा खासा है। डेयरी गाँव तो 14 लीटर देती है भाई, इन्होंने तो सिर्फ 7 लीटर दिया भाई मेरे को।
भाई यार सीन है यार इनका भी। चलो ठीक है भाई। अबे 21 लीटर ही आया है भाई। अबे यार 21 मतलब मेरे को 2 काओ और लानी पड़ेंगी इसके लिए, 5 काओ में एक भरेगा भाई। ये तो गलत है भाई, गलत मामला है गाइस ये तो, ये तो गलत मामला है भाई। इसको भरने के लिए तो बहुत सीन है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे जो मेन काउज है वो कितना लीटर देते हैं, आई थिंक 14 ही देती है यार वो तो ना। और यहाँ पे देखिए एक सेकंड इनका क्या सीन चल रहा है, ये तो बन गया पूरे। यार इतना ज़्यादा बनाया नहीं मैंने, या नहीं बना के तो रखे हैं लेकिन मैंने कोई यूज़ नहीं करा भाई। रुको इसको ज़रा इसमें रख देता हूँ, इसको भी ज़रा इसमें रख देता हूँ। उनको ऑन कर देते हैं अपन, इनको प्लेस कर देते हैं। सुखाने पे तो रख दो भाई इनको एटलीस्ट। मैंने इनको सुखाने पे भी नहीं रखा भाई, यहाँ से पड़े हुए हैं, अब तो सूख जाते हैं, इनको बेच कर भी आ जाते हैं अपन। रुक जाओ ज़रा, मैं एक काम करता हूँ सबको ना निकाल लेता हूँ। मैंने जितना पढ़ा है ना अपडेट्स वगैरह में, आई थिंक इनके प्राइजेस वगैरह जो है ना वो चेंज नहीं हुए हैं, सेम ही प्राइजेस वगैरह। वैसे तो मेरे को याद नहीं है कितना प्राइस इनको सेल करने पर मिलेगा वैसे अपने को। सो देखते हैं जब अपन सेल करने जाएंगे ना। एक बार मैंने सेल कर दिया लेकिन मैंने प्राइस वगैरह चेक करना भूल गया था मैं इनके। चलो कोई सीन नहीं है। ये क्या, अच्छा काउ है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी सारी सारी काउज ठीक तो है ना, वो देख लेता हूँ गाइस। यस हमारी सारी काउज सही है। और हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ भी बन के तैयार हो चुका है। लेट्स गो, अपन चीज़ वगैरह सब कुछ सेल करेंगे। और यहाँ पे ना जल्दी अपन ग्रीन हाउस का जो फार्मिंग वाला सीन है वो भी बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे क्रॉप प्लॉट लगाने वाला हूँ। और विंड मिल तो बगल में है ही, तो इतना सीन नहीं पानी वानी का, तो या एक और बना दूँगा कोई वो नहीं है। यहाँ पे अपना बनेगा पूरा क्रॉप प्लॉट वगैरह। और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत हनी के बनाऊँगा ताकि अपन हनी वगैरह इकट्ठे करके ला सके, ठीक है। और इसके अंदर अगर कुछ पॉसिबल हुआ और कुछ बनाने का, मुर्गी का भी बना दूँगा मैं तो। हाँ भाई मुर्गी का भी जगह बना दूंगा ताकि ना मुर्गी वगैरह भी आराम से रह सके। और जो भी अंडे वंडे चाहिए रहेंगे तो बाहर और बाहर नहीं आना पड़ेगा मेरे को, अंदर से सारा काम हो जाएगा अपना, ठीक है। और या गाइस आज हम लोगों ने हमारे घोड़ों के लिए जगह बना दी है, घोड़ों को अंदर रख दिया है। तो आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड या आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मजा आता है नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।